ऐसे ही फिर आपको एक और चेक पॉइंट 2 देखने को मिल जाता है। चेक पॉइंट इस तरीके से है कि आपने यहाँ तक पहुँचे, आपको फिर इसको क्लियर करना होगा तभी आप आगे बढ़े, नहीं तो नहीं बढ़ सकते आगे। गाइज वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बुक्स रिव्यूअर। सो इन दिस वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं अरिहंत की सेमेस्टर 2 बुक्स फॉर क्लास 10th ICSE। आज मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लिटरेचर की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की एंड मैथमेटिक्स की बुक्स अवेलेबल हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हर एक बुक का डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूँ। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इन सभी बुक्स का गिव अवे कर रहे हैं। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने किन्हीं दो दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना होगा और एक अच्छा सा कमेंट कर देना होगा। जैसे ही आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं आपकी सक्सेसफुल एंट्री गिव अवे कॉन्टेस्ट में हो जाएगी और इसके विनर का अनाउंसमेंट हमारे कम्युनिटी पोस्ट में हो जाएगा। तो फिजिक्स की बुक में सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंटेंट्स में हमें क्या देखने को मिलता है। तो कंटेंट्स में सबसे पहले आपको आपके जो 5 चैप्टर है वो देखने को मिल जाते हैं और फिर प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाते हैं, जो कि 3 प्रैक्टिस पेपर्स है, जैसा कि इस पे मेंशन करा हुआ है कि 3 प्रैक्टिस पेपर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। कंटेंट्स के बाद आपको सिलेबस देखने को मिलता है, बायोस्क्रिप्टेड और रिड्यूस सिलेबस, फिर एक सर्कुलर था, फिर ये आपका चैप्टर नंबर 1 साउंड आ जाता है। इसमें सबसे पहले आपको इस तरीके के रिवीजन नोट्स देखने को मिलते हैं जो कि आपका रिवीजन काफ़ी अच्छी तरीके से कर देंगे। फिर आपको सॉल्व एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके की चैप्टर प्रैक्टिस देखने को मिलती है। इस चैप्टर प्रैक्टिस में आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड देन 4 मार्क्स क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइडेड है। फिर आपको एक चैप्टर टेस्ट देखने को मिलता है। ये टेस्ट आपको एवेल्युएट करने में काफ़ी हेल्प करेगा कि आपका चैप्टर कितना अच्छी तरीके से प्रिपेयर है। इसमें आपको 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अगर आपको इसके सोल्यूशन चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके इसके सोल्यूशंस को भी एक्सेस कर पाएंगे। ऐसे ही फिर आपको जो चैप्टर प्रैक्टिस थी और चैप्टर टेस्ट था, इन सबके सोल्यूशंस एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाते हैं। तो ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, मतलब इसमें आपको सही तरीके से समझाया गया है कि यही आंसर क्यों। इसके बाद फिर आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपको इस तरीके के नोट्स देखने को मिल जाते हैं, फिर सॉल्व एग्जांपल्स, उसके बाद फिर काफ़ी सारे इसमें चैप्टर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है। एग्जांपल्स में इसमें आपको काफ़ी सारे सर्किट के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करा जाता है। फिर आपको चैप्टर प्रैक्टिस देखने को मिलती है। इस चैप्टर प्रैक्टिस में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, जो लेटेस्ट ICSE स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर होता है उसके क्वेश्चंस है, ICSE मार्किंग स्कीम के क्वेश्चंस है, काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस आपको बोर्ड के पुराने देखने को मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं करा गया है, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको करना ज़रूरी है वो सब इसमें इंक्लूड करा गया है। जितना मैंने देखा है इसमें आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे इसी तरीके से चैप्टर टेस्ट देखने को मिलता है, उसके बाद फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाती है। तो फिजिक्स की बुक में आपको कुछ इतना ही देखने को मिलता है। अगर फिजिक्स की बुक के प्राइस के बारे में बात करें तो सिर्फ 100 रुपीज़ है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। उसके बाद फिर हम लोग मैथमेटिक्स की बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स की बुक में सबसे पहले कंटेंट्स में आपको यही बता दिया गया है कि चैप्टर फिर 3 प्रैक्टिस पेपर, और हर बुक में आपको कुछ इस तरीके के QR कोड्स देखने को मिल जाते हैं जैसे आप अरिहंत के जो अरिहंत का यूट्यूब चैनल है उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आप लोग कंसेप्ट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशंस और सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्ट्रेटजीज को एक्सेस कर पाएंगे। फिर आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिल जाता है, फिर सर्कुलर, फिर आपको ये चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है। पर्सनली मुझे नोट्स काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि इससे आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि क्या आपके पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है। फिर आपको सॉल्व एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं, फिर चैप्टर प्रैक्टिस, इसमें भी उसी तरीके से डिवाइडेड है, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशंस दिए गए हैं। अब सॉल्यूशंस काफ़ी सही तरीके से दिए गए हैं, पूरा पूरा ग्राफ बनाया गया है। कोई ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस आपको QR कोड एक्सेस करके चैप्टर प्रैक्टिस के करने पड़ेंगे, आपको सिर्फ QR कोड एक्सेस करना है जो आपको चैप्टर टेस्ट देखने को मिलता है इस तरीके का, जिसके अंदर थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें भी आपको आंसर दे दिए हुए हैं मैथमेटिक्स में, डिटेल्ड सॉल्यूशन है किस तरीके से आंसर आया, पूरा जो प्रोसीजर है सॉल्यूशन है उसको एक्सेस करना है तो आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, नहीं तो आंसर आपको यहाँ पे भी दिए हुए हैं। तो फिर आपका चैप्टर नंबर 2 मिड पॉइंट फॉर्मला आ जाता है, इसमें भी एग्जांपल्स और फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं।
अगर हम लोग इस बुक की प्राइस के बारे में बात करें तो जो इस बुक का प्राइस है वो 150 रुपीज़ है, जो कि फिर से काफ़ी कम है। और इसमें आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस पेपर्स भी देखने को मिल जाते हैं और उसके डिटेल्ड सोल्यूशन भी देखने को मिल जाते हैं हर बुक में। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी की बुक की तरफ। तो बायोलॉजी की बुक में आपको MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और एक काफ़ी थिन बुक है, काफ़ी थिन है। चलिए तो सबसे पहले इसके भी कंटेंट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके कंटेंट्स में क्या देखने को मिलता है। तो इसके कंटेंट्स में भी आपको वही चैप्टर और 3 practice papers देखने को मिलते हैं। तो मैं आपका चैप्टर नंबर 1 सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ गया हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको नोट्स देखने को मिलते हैं, फिर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे नोट्स के बाद कुछ इस तरीके के चेक पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है ना, जिसने आपने नोट्स पढ़ लिए उतने टॉपिक तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। 1 word टाइप के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर ये, तो ये आपको हेल्प करेंगे कि आपने जो पहले पढ़ा वो आपका अच्छी तरीके से आपको याद नहीं है, एक तरीके के इन सब नोट्स का रिवीजन करा देंगे आपको ऐसे। फिर आपको एक और चेक पॉइंट 2 देखने को मिल जाता है। चेक पॉइंट इस तरीके से है कि आपने यहाँ तक पहुँचे, आपको फिर इसको क्लियर करना होगा तभी आप आगे बढ़े, नहीं तो नहीं बढ़ सकते आगे। यहाँ पर डायग्राम भी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे गए, वेल एक्सप्लेन्ड डायग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर एक और चेक पॉइंट यहाँ पर दे दिया गया है। तो चेक पॉइंट इसमें काफ़ी सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक फिर चेक पॉइंट है, यहाँ पे फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसके आपको यहीं पे आंसर्स देखने को मिल जाते हैं, कहीं आपको और जाने की ज़रूरत नहीं है आंसर के लिए। काफ़ी सारे इसमें MCQs है, करीबन 15 MCQs आपको इस चैप्टर में देखने को मिल गए। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं, जो कि फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। फिर मैच द फॉलोइंग, फिर 1 word टाइप क्वेश्चन, काफ़ी सारे 1 word टाइप, मतलब जितनी आपकी एक्सरसाइज होती हैं, जितने भी एग्जामिनेशन में आएंगी, आपका जो लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर है आप उसमें देख पाएंगे। तो जैसे जैसे उसमें जो आएंगी वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और फिर आपको चैप्टर टेस्ट देखने को मिल जाता है, फिर आपको आपका चैप्टर नंबर 2 एक्सक्रेटरी सिस्टम देखने को मिल जाता है। जो मैं आपको एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट बता दूँ वो ये था कि जो इसके प्रैक्टिस पेपर्स है, क्योंकि ये बुक प्रिंट हुई थी जब आपका स्पेसिमेन पेपर रिलीज़ नहीं हुआ था, तो इसमें उस तरीके के पैटर्न के हिसाब से नहीं दिया गया। लेकिन शायद अगर आप ऑर्डर करें तो आपको न्यू पैटर्न के हिसाब से मिल जाए बुक। लेकिन जो अभी मेरे पास बुक है इसके अंदर आपको उस पैटर्न के हिसाब से नहीं दिया गया, और यहाँ पे मेंशन भी करा गया है कि ये एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट नहीं है ICSE के सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन का। अगर आपको ये वाली बुक मिलती है तो आप इस प्रैक्टिस पेपर को फॉलो मत करिएगा, मतलब इसमें भी आपको वही सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें वो वाला पैटर्न फॉलो नहीं करा गया। ऐसे ही इसमें फिर आपको सैम्पल पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। इस बुक की अगर प्राइस के बारे में बात करें तो इस बुक का भी प्राइस 100 rupees है, जो कि फिर से काफ़ी कम है। चलिए तो अब हम लोग केमिस्ट्री की बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री की बुक में भी आपको MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, इसके भी वही कंटेंट्स में सेम चैप्टर्स और उसके बाद प्रैक्टिस पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 मेटलर्जी है, इसमें सबसे पहले आपको काफ़ी सारे रिविजन नोट्स देखने को मिल जाते हैं। ये आपकी बुक के ही रिविजन नोट्स है और कोई एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें नहीं दी गई है केमिस्ट्री में। तो काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आपको यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, और इसमें आगे चैप्टर्स में शायद आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। यहाँ पे फिर एक्सप्लेनेशन दी गई है, मतलब हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी गई है सही तरीके से। और फिर आपको चैप्टर टेस्ट देखने को मिल जाता है, और फिर आपके जो आखिरी है, आखिरी बुक में आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस पेपर्स देखने को मिलते हैं। ये भी वही पैटर्न को फॉलो नहीं करते, लेकिन इसमें काफ़ी सारे MCQs है, तो आप इसको कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसको करने में भी। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप जो एग्जैक्ट सेमेस्टर 2 का स्पेसिफिक पेपर है उसी को फॉलो करें। चलिए अब हम लोग लिटरेचर की बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो लिटरेचर की बुक में आपको यहाँ पे सबसे पहले ये दे दिया गया है, आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस अलग, ट्रेजर ट्रूव अलग, और शॉर्ट स्टोरीज अलग, और फिर आपको प्रैक्टिस पेपर्स देखने को मिलते हैं। तो मैं ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस की तरफ बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले आपको अबाउट द ऑथर देखने को मिलता है, फिर अबाउट द प्ले, फिर यहाँ पे आपको थीम ऑफ द प्ले, मतलब जो भी आपकी वर्क बुक में देखने को मिलता है वो सब देखने को मिलता है। फिर कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, मतलब कैरेक्टर एनालिसिस, ये सब देखने को मिल जाता है। फिर आपका चैप्टर वाइज सीन में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आंसर लिखने में काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव होने वाला एग्जामिनेशन, तो आपका जो आंसर लिखने में जो भी आपको चीज़ें की ज़रूरत होंगी, जो भी आपको दिमाग में होना चाहिए आंसर लिखते समय, वो सब इसमें दिया गया है। जैसे Act 4 Scene 1 में पोर्शिया एंटर्स, पोर्शिया टर्न्स द टेबल, ड्यूक वर्क डेट, मैसेंजर अराइव्स, बसेनियो ऑफर, शाइलॉक विंग, एडमेंट, कोर्ट हियरिंग, मतलब ये जितना कुछ इसमें हुआ था, जितने भी सीन्स में इवेंट्स हुए थे, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो सब दिए गए हैं। ऐसे ही फिर Scene 2 आ जाता है, इसमें आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी देखने को मिल जाता है, और जैसे रिंग सागा कॉन्टिन्यूस, एयरिंग एपिसोड, वो सब इसमें दिया गया है। तो फिर आपके यहाँ पे चैप्टर प्रैक्टिस आ जाती है Act 4 की, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड करे गए हैं। जैसे ICSE स्पेसिमेन पेपर 2021 का एक क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे 2019 का क्वेश्चन है, और इसी में आपको यहीं पे आंसर दे दिया गया है, कहीं और जाने की आंसर की ज़रूरत नहीं है। और इसमें काफ़ी सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मुझे देखने को मिल गए। ऐसे ही फिर आपको यहाँ पे मर्चेंट ऑफ वेनिस में पूरा देखने को मिल जाता है।
तो इसी तरीके का आपको इंग्लिश लिटरेचर की बुक में देखने को मिलता है। अगर मैं इस बुक के प्राइस के बारे में बात करूँ तो इस बुक का प्राइस है 100 रुपीज़, जो कि बहुत ही कम है। चलिए तो अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर आपको हर तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि लेटर, नोटिस, ईमेल, राइटिंग, सब कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन, नैरेटिव कंपोजिशन, फिर डिबेट और आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन, मतलब ये पूरा ऐसे राइटिंग, पूरा आपका जो कंपोजिशन होता है वो सब उसके लिए दिया गया है। फिर शॉर्ट स्टोरी, पिक्चर कंपोजिशन, तो 5 चैप्टर तो आपको ऐसे राइटिंग के लिए ही दे दिए गए हैं। फिर आपको लेटर राइटिंग देखने को मिलती है, फिर नोटिस और फिर ईमेल। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, चैप्टर नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है एक डिस्क्रिप्शन लिखते समय, तो वो सब दिया गया है। जैसे आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस में हर सीन की इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई थी, जिससे आप अपने आंसर को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकें। ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन में भी आपको इसी तरीके के पॉइंट दिए गए हैं, जिससे आप अपने डिस्क्रिप्शन को लिखते समय उन चीज़ों को भूलें नहीं। फिर चैप्टर प्रैक्टिस दी गई है, ये भी क्वेश्चंस आपके वही है जो प्रीवियस ईयर के, वैसे तो ये रिपीट नहीं होंगे लेकिन आपको हेल्प करेंगे, आप इसको रीड कर सकते हैं अच्छी तरीके से। रीड करने से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लिखना है। फिर नैरेटिव कंपोजिशन देखने को मिल जाता है उसकी, फिर चैप्टर प्रैक्टिस दी गई है, फिर डिबेट आर्ग्यूमेंटस। तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि चैप्टर टेस्ट इसमें नहीं देखने को मिला, अभी तक तो नहीं देखने को मिला है, जो पहले 3 चैप्टर है, ठीक है। इसमें भी आपको फिर इसी तरीके से चैप्टर प्रैक्टिस देखने को मिल जाती है। इसमें अगर हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पे मुझे कंपोजिशन टेस्ट देखने को और मिल गया है। कंपोजिशन राइटिंग यहाँ पे मतलब आपको जो आपके 5 चैप्टर थे, 5 चैप्टर के आपको फिर यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं सेक्शन टेस्ट में। जैसे डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन था, नैरेटिव, डिबेट, आर्ग्यूमेंटिव, शॉर्ट स्टोरी, पिक्चर कंपोजिशन, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसे हफ्ते में 1-2 आप लिख सकते हैं, इससे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर लेटर राइटिंग, लेटर कितने तरीके के होते हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल, बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर टू एडिटर्स, ये सब। फिर यहाँ पे आपको जो ICC का फॉर्मेट है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का, वो पूरा देखने को मिल जाता है। जैसे बिजनेस लेटर्स है, फिर काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर ऑफिशियल लेटर्स के दिए गए हैं, मतलब हाँ इससे आपका अच्छी तरीके से ऐसे की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे ही फिर आपको ईमेल दिए हुए हैं, फिर आपको प्रैक्टिस पेपर देखने को मिल जाता है, ये भी प्रैक्टिस पेपर लेटेस्ट ऑफिशियल जो स्पेसिमेन पेपर लॉन्च हुआ है उस पे अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर हम इस बुक के प्राइस के बारे में बात करें तो इस बुक का भी प्राइस 125 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी कम है। तो मैंने आपको हर बुक का डिटेल रिव्यू दे दिया है, अगर आपको इन बुक को परचेस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी परचेस इसको कर सकते हैं। So thank you so much for watching. Bye.